हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटेक इजी पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी लेकर हम फिर हाजिर हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने में अभी और समय लगेगा। अभी तक एयरपोर्ट के अधिकारी हर हाल में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते अथवा नवम्बर में यहां से उड़ान शुरू करने की तैयारी में थे। अब राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो पाएगा। दिसंबर 2023 से यहां से कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट के प्लान में तमाम परिवर्तन और एक्सटेंशन के कारण नए सिरे से कई निर्माण और संशोधन करने पड़ रहे हैं। इसके चलते अब निर्माण कार्य पूरी तौर पर हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि अभी सभी काम चल रहे हैं, किसी भी काम को 100% पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट में पहले 4 हवाई जहाजों को रखने के लिए एप्रोन का निर्माण किया गया था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई है। ऐसे में एक और एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ ही कूलिंग पिट का निर्माण तोड़कर दूसरी स्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है। कूलिंग पिट एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए रहता है, जिसमें बम विस्फोटक और अन्य संदिग्ध वस्तु की जांच के लिए 24 घंटों तक रखा जाता है। हालांकि रनवे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन इसमें भी तकनीकी काम चल रहा है। टर्मिनल का निर्माण सिविल इंजीनियरिंग की टीम कर रही है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल टीम अपना निर्माण शुरू करेगी। टर्मिनल का निर्माण 75% पूरा हो चुका है। विनोद कुमार के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने का लाइसेंस मिलने के बाद एयरलाइंस यहां से उड़ानें शुरू करने के लिए आवेदन करेंगी। फिलहाल अभी किसी एयरलाइंस का आवेदन नहीं मिला है। उम्मीद है कि पहले चरण में एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट आदि एयरलाइंस की उड़ानें शुरू हो सकती है। अयोध्या में हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी और साथ ही क्षेत्र में आर्थिक मदद को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और भारत के 3 अन्य प्रमुख शहरों के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए तैयार कर रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट बनने के दूसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए रनवे को 3125 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और दूसरा टर्मिनल 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। पूरा हवाई अड्डा 821 एकड़ में फैला हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एप्रन, टैक्सीवे और आइसोलेशन एरिया समेत टर्मिनल 1 का 70% से ज़्यादा हवाई अड्डे का काम पूरा हो चुका है। हवाई अड्डा प्रति घंटे 500 यात्री और एक समय में 8 एयरबस विमान रख सकेगा। 70 से 80 लोगों की एक टीम छत और खंभों पर लोहे के फ्रेम से बांधने के लिए दिन रात काम कर रही है, ताकि हवाई अड्डा अयोध्या राम मंदिर का प्रवेश द्वार बन जाए। हवाई अड्डा चालू होते ही इसमें CISF सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय पुलिस कर्मी भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए ऑटेक इजी। जय हिंद, जय भारत।